दोस्तों, क्या आपने कभी फैक्ट्री में नारियल तेल बनते देखा है? और इसमें कौन से जानवर का हड्डी का पाउडर मिलाया जाता है आपको पता है? और किस जगह बनाई जाते हैं और इसकी खेती की जाती है या कुछ और? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप लोग नारियल तेल का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। कुछ लोग नारियल तेल को हेयर ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसका इस्तेमाल मालिश के लिए भी करते हैं। साउथ इंडिया में तो नारियल तेल से खाना भी बनाया जाता है और यकीन मानिए, नारियल तेल में फ्राइड फूड खाने में काफी टेस्टी भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं नारियल तेल कैसे बनती है। सबसे पहले तो नारियल को पेड़ों से कुछ इस तरह तोड़ लिया जाता है और इन सभी नारियलों को इकट्ठा कर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर इन सभी नारियलों को सबसे पहले इस डेहस्किंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो नारियल के ऊपर से बड़ी आसानी से सारा छिलका उतार देती है। नारियल तेल उत्पादन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले नारियल का पूर्व उपचार करना आवश्यक है। पूर्व उपचार प्रक्रिया में खोपरा का परिवहन और क्रशिंग शामिल है। फिर इसे छील कर दबाया जाता है और कच्चा नारियल तेल तैयार किया जाता है। अंत में शुद्ध और पौष्टिक नारियल तेल प्राप्त करने के लिए इसे फिल्टर किया जाता है और इन सभी उतरे हुए छिलकों को रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इसके छिलके से कुछ इस प्रकार से मजबूत रस्सी बनाई जाएगी। अब यहां सबसे पहले नारियल में छेद करके उसका सारा पानी निकाल लिया जाता है, जैसे कि प्रोसेसर के पैकेट में पैक कर दिया जाता है और बाजार में इसे कोकोनट वाटर के नाम से बेचा जाता है। कैसे बनता है नारियल का तेल? सबसे पहले एक तरीके से नारियल का दूध बनाया जाता है और उसके बाद उस दूध बनने की प्रक्रिया के जरिए तेल बनाया जाता है। पहले नारियल का गुदा निकाला जाता है और इसमें पानी मिलाकर पीसा जाता है और उसके बाद उसे निचोड़कर और दबाकर तेल निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगले स्टेप में नारियल के ऊपरी कठोर परत को अलग करा जाता है, जो काम केवल एक्सपीरियंस वर्कर्स कोकोनट डेहस्किंग मशीन के द्वारा ही करते हैं और इस नारियल के ऊपर से कठोर परत को बड़े ही आसानी से अलग कर देते हैं और कुछ इस तरह से बिल्कुल गोल बिना किसी छिलके वाला नारियल तैयार कर लिया जाता है। लेकिन इसका तेल बनाने के लिए नारियल के केवल सफेद भाग का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नारियल के ऊपर जो पतला सा छिलका होता है उसे कुछ ऐसे ये वर्कर्स बड़े सफाई से छील देते हैं और नारियल एकदम सफेद बर्फ के गोले जैसा दिखने लगता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस नारियल को छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं और उसे 3 बार धोया जाता है ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना रह जाए। और अब इन सभी पीसेज को बड़े से ग्राइंडर मशीन में डालकर उसको पीस लिया जाता है, जिससे नारियल का गीला बुरादा तैयार हो जाता है। और फिर इन सभी को एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाएगा, जिससे नारियल का सारा दूध निकल जाता है और फिर इस दूध को मिक्स करके इसे प्योर नारियल तेल को निकाल लिया जाता है और फाइनल टेस्टिंग के बाद इन्हें डिब्बों में पैक कर दिया जाता है और कुछ ऐसे तैयार हो जाती है नारियल तेल। तो दोस्तों, आपको नारियल तेल बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।